एक बज गया और हमारा दिन स्टार्ट हुआ है 11:30 बजे और मेरी हालत है कुछ ऐसी के बाद खाना बनाना और फिर काम पे निकलते हैं। बर्तन साफ करने वाले पड़े हुए हैं और ये गंद मचा हुआ है पूरा, है ना। ये ऐसे ही चलता है, बर्तन साफ करो, मैं तो अभी उठाऊ। वाहेगुरु, आटा गूंदा मैं, ये आटा गूंदन डया। ब्रदर का पार्सल आया ना, ये पता नहीं क्या डिलीवर हुआ है, पता नहीं क्या है, पंचर है ना गड्डी का शायद, पता नहीं क्या है, हैंड ओवर टू ई कार लोग, पता नहीं क्या है। करण कैसा लग रहा है, किवें फील हो रहा है, 300 किलोमीटर दूर आके ये पेड़े करना, आपे रोटियां बनाना, दसो। बहुत ही शानदार है। बहुत ही अच्छा। हाँ करण बोल, थले नहीं रखना सी वेलना, वेलना थले नहीं रखना सी, काम कर रहा है, काम कर। मैं तो चल राइडा था, खा पी के निकलो, खा पी के निकल जाना, मैंने तो राइडा। हाँ यार, ए करे तेरे पहुंचे की वीडियो, करण इसके घर पे जानी है, याद आ रही है यार, याद आ रही है। आंटी जी आपको मिस कर रहा है बेचारा। ये अपने ब्रदर आए थे, कैब वाला काम इन्होंने भी स्टार्ट करना है, मंगू ने, क्यों मंगू है ना करना ना, थोड़ी एडवाइस लेनी थी इन्होंने तो बता दिया जो भी था प्रोसीजर। एंड ये अपने ब्रदर रहते हैं धनास में, चंडीगढ़ में, ये थारा भाई जोगिंदर, करण छपरी, इनके बाइक जा रहे हैं और पर इसके बाद मैं भी चला जाऊंगा अपने काम पे और फुल नाइट शायद 2-3 बजे आऊंगा, देखते हैं कुछ चंगा मंगू। ठीक है भाई, ओके देख लिया जब लोग चाहोगे तुम, वो राइडर भी रेडी बंटी, ये आज पबजी खेलेगा पूरा दिन, इसका यही काम है। चलो ठीक है वीरे, ओके बाय। किधर चले, बाल कटाने, कटिंग कटाने जा रहे हैं हम, कटिंग कराने, क्या कराने, बाल कटाने, बाल कटाने, बाल ही बाल कटाने। ओ वेली का टैलेंटेड है बंदा, वो जो अपने साथ ब्रदर थे ना सरदार के पास, सरदार के साथ कह रहे हैं कि लड़का टैलेंटेड है और लग नहीं रहा कि हिंदी मतलब उस साइड की है जिस साइड में रहता हूँ, मतलब मेरा बेसिकली जहाँ पे पिंड है मेरा शहर है, ऐसे लग रहा है जैसे दिल्ली का छोरा हो, तो या पता नहीं अब मुझे है भी या नहीं, या पंप दे गया मुझे बताऊँ। मैं ना जब घर से आया था ना, लोहड़ी में गया था तो ये दूध लेके आया था घर से, और 2-3 दिन हो गए, 3 दिन अंदर ही पड़ा हुआ है पूरा दूध, खराब हो गया अब तो। और ये भी है, ये इसमें है शायद कनक, हाँ गेहूँ है, और ये भेजा था मेरे भुआ जी के लड़के ने, और ये मैंने देना था खरड़, खरड़ किसी को हैंडओवर करना था, पकड़ाना था, ये भी भूल गया, ये भी अब अंदर है, जब खरड़ की राइड लगेगी तो उनको ये हैंडओवर करना है, तो थोड़ा भलक्कड़ हूँ मैं यार, समझ नहीं लगती पता नहीं क्यों। ये जो अभी आए थे ना, इसका नाम था मंगू, सरदार जो अभी मिलने आए थे, ये मेरे शहर से ही है, और उन्होंने भी कैब डालनी है उबर में, ओला में, और इन ड्राइवर में चला के देखनी कैब वाला काम। तो इन्होंने मुझे बताया कि ये और भी लोगों के पास गए जो कैब चलाते हैं, उनसे भी पूछा तो कोई क्लियर इतना बताता नहीं है, पता नहीं क्यों किसी ने प्रॉपर जानकारी दी नहीं है कि काम कैसा है, काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो पता नहीं क्यों यार लोग ऐसे करते हैं कि हाँ काम नहीं बताना, पता नहीं इसके ये भी अगर काम ये करने लग गया कैब वाला तो शायद मेरा ये काम कम हो जाएगा। अरे यार कोई पूछने आया है बेचारा ना, उसको बता दो ना जितना पता है, मुझे तो जितना पता था जो भी मेरा एक्सपीरियंस था मैंने बता दिया, ये चैनल भी उनको मैंने दिखाया, सब्सक्राइब करने को वैसे नहीं बोला मैंने क्योंकि जबरदस्ती सब्सक्राइब मैंने किसी को नहीं बोला है, मैंने जो भी मेरा एक्सपीरियंस था मैंने बता दिया, कितने इसमें कमाई होती है, क्या रहता है, पूरा मैंने डिटेल दे दी, इसीलिए तो व्लॉगिंग चैनल भी स्टार्ट किया है कि जो भी एक्सपीरियंस होगा पूरा शेयर करेंगे, दबा के शेयर करेंगे। पता नहीं क्यों मेरे तो बिहेवियर में भाई, अपन तो जो भी होता है बोल देते हैं ना, जो भी मतलब बताने लायक होता है बातें बता ही देते हैं, तभी तो कैमरे के सामने भी अभी बकवास बोल रहा हूँ ना। कहने का यार यही था कि मतलब मदद कर देनी चाहिए, है ना। तो मैं तो चलता हूँ अभी, आज दिन है, आज देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है ना, लोग कैसे मिलते हैं, क्या होता है ना। चलो फिर अभी कोई राइड आती तो मैं वीडियो बनाता हूँ। वैसे मुझे अभी भी मेरे ब्रदर नहीं आया तो इसी वीडियो इसी मोबाइल पे मुझे इन ड्राइवर काम भी करना पड़ेगा और व्लॉगिंग भी हो गया। अभी नया गाँव से मैं राइड लेके आया था, एक मनोज नाम से थी, और यहाँ पे 25 में ये भास्कर बिल्डिंग में छोड़ा आई है। मैं पता क्या, जमता कॉलोनी में ये कार मेरी थुक गई ऑटो वाले के साथ, और यहाँ पे हाँ यहाँ पे लगी थी आई थिंक ये वाली,
ये तो पहले की है और ये लगी है वैसे, चलो शुक्र है ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। वो जो ऑटो के पीछे बना होता है ना, वो वाला ऑटो के पीछे मतलब एंगल लगी होती है, वो लगी थी यहाँ पे और पीछे इधर आई, फिर यहाँ तक बचा ली मैंने। के मैम ने ना, मैंने म्यूजिक लगाया हुआ था, माफिया म्यूजिक, बहुत अच्छे म्यूजिक है और वो म्यूजिक मैम को बहुत अच्छे लगे। उनको म्यूजिक मैंने बताया, उसका नाम भी पूछा उन्होंने, मैंने बता दिया और उन्होंने म्यूजिक डाउनलोड भी कर लिया और उन्होंने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया। उन्होंने खुद पूछा था कि कौन सा चैनल, तो मैंने चैनल बना दिया, बता दिया और उन्होंने सब्सक्राइब भी कर दिया। भाई मुझे एक कार वो बहुत पसंद आ रही है, ऑडी वाली, बहुत लंबी लग्जरी है ना, लेंगे कभी कैब में डालेंगे, ऊबर में, ओला में, ऑडी है ना, कैसा लगेगा, ऑडी लेके आओ, ऑडी बीएमडब्ल्यू लेके आओ, कस्टमर एक बार तो ऐसे देखेगा ओ तेरी, है ना, पीली प्लेट यहाँ लगी हो, येलो और पीली पट्टी लगी हो, कैसा लगेगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? राइट है ना, वहां से मैं ऐसे टर्न कर रहा हूँ और वहां आगे कुत्ता आ गया था और ब्रेक मैंने लगा ली, लाइटों पे रुकना पड़ गया, बाकी बच गया था वो। और अभी मैंने लिए ब्राउन ब्रेड इनसे, अंकल जी से, क्योंकि ये पीनट बटर मैं साथ में लेके चलता हूँ, कभी भी भूख लग जाती है, फुल नाइट काम करता हूँ तो भूख लगती है, और साथ में ये ले ले ब्राउन ब्रेड, एंड जब भी भूख लगे खा लो अपना जैम लगा के, सॉरी पीनट बटर यार, जैम नहीं पीनट बटर। अभी 38 में कस्टमर आ रहे हैं, मैडम है एक, उनको शायद पता नहीं रेलवे स्टेशन छोड़ना है, मे बी वो मैम आ गए। ये भाई बड़े मस्त लगे मुझे, कह रहे धीरे चलाना आराम से, ये भाई तो लेट गए, गाड़ी की एवरेज बना के चला रहा है, ऐसे कस्टमर बहुत कम मिलते हैं, इनका चला साढ़े 800 रुपए लेके मार दिया, 800 रुपए दे के हटे। अगर वीडियो पसंद ना आए तो अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ये अटक गई, देखो भाई बाहर आ गया, ओ तेरी।